हिमाचल में पशुओं में फैले लंपी वायरल को प्रदेश सरकार ने महामारी घोषित कर दिया है और अब यदि इस बीमारी से कोई पशु मरता है, पशुपालक को इसका मुआवजा दिया जाएगा। प्रदेश में अब तक लंपी रोग से अब तक 79 पशुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 1,351 बीमारी से ग्रस्त हुए हैं। वहीं इस बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार ने अब कंटेनमेंट जोन बनाने की भी घोषणा कर दी है। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सिरमौर, सोलन, चंबा, शिमला में लंपी के मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं और इनकी रोकथाम के लिए प्रयास किया। विभाग के पास जहां से भी सूचना आ रही है वहां जाकर वैक्सीन लगाने का काम किया जा रहा है और जहां ज़्यादा मामले आ रहे हैं वहां कंटेनमेंट जोन बनाकर इनका इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया गया है और पशुओं के मरने पर उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा। वहीं उन्होंने लोगों से पशुओं को बाहरी राज्यों और जिलों जहाँ यह बीमारी फैली है वहाँ से पशुओं की खरीदारी ना करें। ही जिलों के अंदर जैसे सिरमौर है, शिमला है, सोलन और चंबा में ज़्यादातर केसेस जो हैं वो इसके वहाँ ट्रेस हुए हैं और हम पूरे मिशन मोड में जो है उसके रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं। जैसे हमें ये केसेस का पता चलता है, ट्रेस होते हैं, वैसे ही हमारा विभाग जो है वो वहाँ पर पहुँचता है, उनको पशुओं को जो इससे प्रभावित हुए हैं उनको अलग करते हैं और उसको कंटेनमेंट जोन बना करके उसकी वैक्सीनेशन जो है वो शुरू कर देते हैं और यही अलर्ट जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर हमने जारी किया। हमने इसको एपिडेमिक डिक्लेयर किया है और ऐसे में जिन पशुओं को इस बीमारी के कारण मृत्यु होगी उनको निश्चित रूप से जो है वो सरकार को मुआवजा देगी। ऐसा तो अभी किया नहीं गया है लेकिन हमने अपील की है कि ऐसा बाहर से जो है और अब विभिन्न जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें थोड़ा जो है वो ऐसा ना करें।